नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं शाओमी के नए फोन के बारे में, जिसका नाम है शाओमी एमआई A2। इसकी प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशन और लॉन्चिंग के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो आज स्पेन में एक इवेंट था मैड्रिड में और वहां पे ये फोन लॉन्च हो गया। इसकी स्पेसिफिकेशन भी सामने निकल के आ गई है, जिसका नाम है शाओमी एमआई A2। साथ में ही इन्होंने एक नया फोन भी लॉन्च किया है, शाओमी एमआई A2 लाइट, और उसकी भी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग दोनों सामने निकल के आ चुकी है। लेकिन मैं आज आपसे बात करूंगा शाओमी एमआई A2 की स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और भी डिस्कस करूंगा कुछ सारी बातें। तो जैसे कि आप सबको मालूम होगा, जो A1 फोन था इसका, एमआई A1, वो इंडिया में काफी पॉपुलर रहा, एशियन कंट्रीज में भी काफी पॉपुलर रहा, यूरोप में भी काफी ये मतलब सेल हुआ ये फोन। और अब कंपनी ने एक अपना नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया, जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है A2। काफी चला, इसीलिए कंपनी ने आगे इस फोन को कंटिन्यू रखा हुआ है। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आ रही है, जो डिस्प्ले है वो है 5.99 इंचेस का बेजललेस डिस्प्ले, जो कि IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 2160x1080 पिक्सल्स है। अगर मैं बात करूं इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो ये लगभग 77.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में आता है। और अगर हम देखें तो ये इसका एस्पेक्ट रेशियो 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ में ये आता है। तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है गेमिंग के लिए, और आप वीडियोस देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें वही पुराना घिसा पिटा प्रोसेसर इन्होंने दिया हुआ है, जो कि लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे फ़ोनों में आया था, क्वालकॉम का 660 चिप। तो इसमें स्नैपड्रैगन 660 चिप है, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और ऑक्टाकोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के साथ में ये चिप आती है। अगर मैं बात करूँ इसके GPU की, तो इसमें क्वालकॉम एड्रीनो 512 GPU का इसमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई नई चिप का यूज़ करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि बहुत सारी नई चिप्स मार्केट में हैं, काफ़ी अच्छी चिप्स हैं। अगर मैं बात करूं इसके और फीचर्स की, तो इसमें आप देखोगे कि ये फ़ोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। जो पहला वेरिएंट है 4GB 32GB के साथ में, जो दूसरा वेरिएंट है वो आता है 4GB 64GB के साथ में, और तीसरा जो वेरिएंट है वो आता है आपका 6GB 128GB के साथ में। यहाँ पे आपको कोई माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल रहा है, दोनों ही सिम नैनो सिम इसमें आप यूज़ कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको MIUI 9.5 पावर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है, जो कि एंड्रॉयड 1 गूगल के प्रोग्राम पे बेस्ड है, आप सबको मालूम होगा। तो इसमें आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलने वाला है। फ्यूचर में आपको बहुत सारे गूगल के अपडेट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इसके कैमरे की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बैक में 2 कैमरे और फ्रंट पे 1 कैमरा। बैक जो कैमरा है वो वर्टिकल प्लेसिंग है, वहीं आपको बीच में मिलेगा एक LED फ्लैश। जो मैं बात करूं इसके कैमरे के मेगापिक्सल्स की, तो 12 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और फ्रंट कैमरा यहाँ पे 20 मेगापिक्सल्स का है। तीनों जो कैमरे हैं f/1.8 एपेचर के साथ में आते हैं। जो 12 मेगापिक्सल वाला बैक कैमरा है वो आपका 1.25 माइक्रोन का सेंसर साइज है, और अगर दूसरा कैमरा मैं देखूं तो 1.0 माइक्रोन का इसमें सेंसर साइज देखने को मिल रहा है। जो बैक कैमरे है वो 2K वीडियो को सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और पोर्ट्रेट मोड को भी ये सपोर्ट करता है। वहीं कहा जा रहा है कि जो फ्रंट कैमरा है वो AI पावर्ड कैमरा है, और आपको इसमें पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं और फीचर्स की, तो इसमें 3010 mAh की इसमें बैटरी मिलने वाली है आपको, जो कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करती है, जिससे कि आप अपने फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर पाएंगे। और इसमें बैटरी इन्होंने थोड़ा सा कम दी हुई है, अगर इसका पावर कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होती, लगभग 3500 या 4000 भी लगभग देते, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा बैकअप मिलने वाला था। ऐसे में देखते हैं कि 3010 mAh कितना बैकअप दे पाता है। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताने कि
बैटरी 3010 mAh इसमें सफिशियंट है या कंपनी को और बढ़ा के इस नंबर को देना चाहिए था। अगर मैं बात करूं कुछ और फीचर्स की दोस्तों, इसमें तो आपको मिलने वाला है बॉटम पे USB टाइप सी का सपोर्ट, वहीं आपको 3.5 mm ऑडियो जैक, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको रियर पे मिलने वाला है। और मैं बात करूं इसके वाईफाई और GPS की, तो आपको डुअल बैंड वाईफाई का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और वहीं आपको GPS नेविगेशन जैसी टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलेगी। GPS, ग्लोनेस और BDS जैसी कई सारी नेविगेशन टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और मैं बात करूं इसमें और फीचर जैसे FM रेडियो और इंफ्रारेड पोर्ट, तो इन दोनों का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। ओवरऑल फीचर तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन प्राइसिंग इन्होंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दी हुई है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारे फ़ोन काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में लॉन्च हुए हैं, तो ऐसे में इतनी हाई प्राइसिंग देखते हैं कि कितना ये फ़ोन चल पाता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके कलर्स की, तो आपको ये लगभग बहुत सारे कलर्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ब्लैक, रेड, ब्लू, रोज़ गोल्ड और गोल्ड कलर में, तो ये सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो जो 5 कलर्स हैं, देखते हैं कि कौन सा कलर सबसे पॉपुलर रहता है। यूजुअली लोग ब्लैक कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और बाकी देखते हैं इसमें गोल्ड कलर कितना अहम रह पाता है आगे आने वाले टाइम में। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके वेट की, तो इसका वेट 166 ग्राम है, और ये फ़ोन आपको वॉइस LTE को भी सपोर्ट करता है। अगर मैं LTE वर्जन की बात करूं इसमें LTE कैटेगरी की, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है LTE कैटेगरी 12, जिसमें आपको 600 Mbps अप टू डाउनलोड और अप टू 150 Mbps अपलोड यहाँ पे मिलेगा। और भी कई सारे फीचर्स हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि आपको मिलने वाला है यहाँ पे काफ़ी ग्लॉसी शाइनिंग वाला डिस्प्ले, और जो प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से, और बैक में भी काफ़ी शाइनी इसकी डिज़ाइन है। वहीं आपको बॉटम पे स्पीकर देखने को मिल रहा है, टॉप पे 3.5 mm ऑडियो जैक का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्विक चार्ज मिल रहा है, और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि इंडिया में ये कब लॉन्च होता है और किस प्राइस में लॉन्च होता है, क्योंकि अभी हमारे लिए जो मेन एम है वो इंडियन प्राइसिंग है, क्योंकि वहाँ पे तो प्राइसिंग यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा इन्होंने बढ़ा के रखी होंगी। अब मैं बात करता हूँ इसकी प्राइसिंग की, तो इसमें जो तीनों वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग 249 €, 279 €, जो कि 4GB, 32GB, 249 लगभग 20,000 रुपीज़, जो आपका 4GB, 64GB वाला वेरिएंट है उसकी जो प्राइसिंग है वो 22,500 के आसपास है इंडियन करेंसी में अगर मैं देखूँ। और अगर जो 6GB वाला जो वेरिएंट है 6GB, 128GB, उसका जो प्राइस निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 28,000 इंडियन रुपीज़ में। तो ऐसे में ये प्राइसिंग तो काफ़ी इन्होंने ज़्यादा रखी हुई है, क्योंकि थोड़ा सा और पैसे डाल के आप कोई फ्लैगशिप डिवाइस क्यों ना ख़रीद लो, क्योंकि आप देख रहे होंगे कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा है मार्केट में, और आसुस ने भी काफ़ी अच्छा फ़ोन इससे थोड़ा ज़्यादा बजट में लॉन्च किया है, 5Z जो फ़ोन है आसुस जेनफोन 5Z। तो देखते हैं कि ये फ़ोन कितना मार्केट में चल पाता है, और देखते हैं कि आने वाले टाइम में जब ये इंडिया में लॉन्च होता है तो किस प्राइस में ये लॉन्च होता है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताने कि आपको ये स्पेसिफिकेशन कैसी लगी, प्राइसिंग कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप इसको शेयर करना, और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। यही बातें मुझे आपसे करनी थी Xiaomi Mi A2 की स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।